हेलो, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी महोदय है, मैं नमस्कार और विशेष रूप से अभी यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ, मैंने एक पदाधिकारी को मेरे ख्याल से गिरिडीह शाखा से है, कुछ उन्होंने बातें कहा तो एक तरफ से शुरू में जब हमको सम्मानित किया गया तो एक अच्छा लगा कि चलो इस भारी सभा में, मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, हो सके इससे पहले मैं उसी तरफ पीछे साइड में बैठता था, मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं था कि यहाँ पर आके अपना दो बात रख सके। आज मौका दिया है तो मैं ज़रूर कुछ बोलूँगा और मैं चाहूँगा जो इनडायरेक्टली कुछ बात उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को जो राम जी है वो यहाँ पर रहे। जिस तरह से इधर से ये उम्मीद करते हैं कि पीछे से कोई गेट के बाहर नहीं जाएगा, तो उधर से भी उम्मीद है कि यहाँ से भी कोई पदाधिकारी बाहर नहीं जाएंगे और ना ही खाना खाने जाएंगे। दोनों तरह से सहमति रहना चाहिए। क्या मैं ये पदाधिकारी को उम्मीद कर सकता हूँ कि इस साइड भी उसी तरह से भरा हुआ रहे? भोजन अभी आरंभ नहीं होना है, आप उसके लिए निश्चित रहिए। जो भी साथी जैसे थे वैसे बैठे हुए हैं, फिर भी अशांति बनाए रखेंगे। जो भी साथीगण हैं, यह एक वार्षिक अधिवेशन है, जिला स्तर के अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। कोई भी अपने मान मर्यादा को पीछे छोड़ने का कार्य ना करें, कोई भी ऐसा बातें ना बोले पीछे से जिसे कोई भी चीज में खराबी आए, व्यवस्था खराब हो, तो जो मेरे बात में मेरे मन में बात रहेगा, मैं अगर कोई भी चीज़ गलत बोलता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको उसी समय रोका जाए, उसी समय टोका जाए। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इतने जन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक उम्मीद से जो बैठे हुए हैं, उनको भी कोई आहत पहुँचे और जो भी व्यवस्था बना हुआ है वो सारा चीज़ सही से चले। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर है, मैं एक छोटा डीजे वाला हूँ, ये छोटा डीजे वाला हूँ या बड़ा डीजे वाला हूँ मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, मैं छोटा डीजे वाला हूँ या बड़ा डीजे वाला हूँ? बड़ा डीजे वाला हूँ, सही से बात है। यहाँ पर जब हमको सम्मानित किया गया, यहाँ साथ साथ पूरे मरेठ, हरिद्वार, उत्तराखंड, हर जगह से, चाहे जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट रहता है दिल्ली एग्जीबिशन एक्सपो, वहाँ पर भी सम्मानित किया गया। भारत के जितने भी कंपनी है, सारे कंपनी ने लगभग हमको सम्मानित किया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आप लोग के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत नाम अपना भी है और बड़ा बड़ा डीजे के गिनती में मैं आता हूँ। तो पदाधिकारी जी ने एक बात रखे, मैं आप लोग से ही बहुत सारा बात सीखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह में, उस जगह में भी बैठा हूँ, इस जगह में भी बैठा हूँ, मैं शुरू से लास्ट तक रहता हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, जमाने के साथ रहना है। मैं कभी भी छोड़ के, अभी तक सुबह से यहीं पर बैठा हूँ, मैं छोड़ के नहीं निकला, यहाँ तक टॉयलेट करने तक भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, साल भर में एक बार सीखने को मिलता है। क्योंकि कोई अगर सोचता है ना कि हम थोड़ा सा ऊपर का सोचेंगे, तो उस समय उन लोग का भी सुनना पड़ता है कि किस तरह से क्या बोला जाता है। आज जो सीखा हूँ, कल दिन मैं वहाँ पर था, आज उन्हीं का देन है कि आज मैंने सीखने का कोशिश किया, तो हो सके आप लोग के सामने थोड़ा सा हिचकचाहट ही सही, लेकिन बोल पा रहा हूँ। यहाँ पर जब सम्मानित किया गया तो एक चीज अच्छा लगा कि सम्मानित किया गया, लेकिन एक आदमी अचानक से आके, पदाधिकारी आके ये बोले कि ये बड़े बड़े डीजे वाले समाज के दुश्मन है, उनसे बच के रहिए, ये नहीं, इनडायरेक्टली टारगेट किया गया। तो मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या जरूरी नहीं समझा कि वो डीजे वाला को उठा के लाए और बोले कि आप प्रूफ कीजिए कि आप जितना भी काम किए हैं आप क्या सही तरीका से किए हैं या गलत तरीका से किए हैं, आपने हमको इन्फॉर्म किए कि आपके थ्रू गलत संदेश जा रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आके अपना बात रखे कि मैं किस तरह से गलत हूँ और आज इतने समाज, इतने लोगों के बीच में अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने आप को सही साबित करूंगा, जिससे कि छोटे बड़े डीजे वाले सबके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगा कि कहाँ तक हम सही है और कहाँ तक गलत है। क्या ये जरूरी था कि नहीं? अगर किसी के बारे में आप गलत बोल रहे हैं तो उसको अधिकार दीजिए यहाँ पर बोलने का कि आप गलत कहाँ पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पर आए और जो बात कहें कि किस जगह पे मैं गलत हूँ, मैं उसको वहीं पर साबित करूंगा। अगर मैं सही रहा तो कल से मेरा फिर डीजे चलेगा, अगर मैं गलत रहा तो आज के बाद मुझे सर्जन का रोड शो कहीं नहीं देखने मिलेगा।
कृपया कृपया सर जी आपसे नहीं, मुझे नहीं ठीक है सुनिए शिव जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यह कार्यक्रम वार्षिक अधिवेशन है, दूसरा जो भी साथी आए हैं जिला के हमारे अतिथिगण हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि आप धनबाद जिला विद्युत साउंड डीजे डेकोरेटर संघ के ही सदस्य हैं और यह गौरव की बात है कि आप धनबाद जिला के सदस्य हैं। अगर उन्होंने राम जी भैया ने ये बोला था कि सार्जेंट डीजे का नाम नहीं लिया था पहले तो नंबर, अगर नाम लिया था तो ये बोला था कि आपने झारखंड के नाम रोशन किया है, ये बात भी आपने सुनी होगी, वो ये बात भी सुनी होगी आपने। और एक चीज आप समझते हो, हम भी ये बात को कहते हैं, मैं ऑल इंडिया साउंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हूँ और मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि कंपटीशन किस चीज का करना होता है, आप कंपटीशन करिए ना ऐसे साउंड के अंदर, लाइव साउंड के अंदर करिए कंपटीशन, करना है तो एक डिसिबल एक मर्यादा के अंदर करिए। हम लोगों ने पूरा का पूरा, मेरे को डिटेल वहां पे पता लगी थी, मुझे कहा गया था कि आप हरिद्वार वाले के मैटर के ऊपर कुछ बोलिए, मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, मेरी वीडियो आई है उसके अंदर मैंने बोला है कि हम उस मामले में बिल्कुल नहीं बोलेंगे कुछ भी। लेकिन आपको मैं बता दूं आज के टाइम पे कितने स्टेटों में डीजे बैन हो गया है, आपको झारखंड का तो पता ही है ना, यूपी में भी आज बैन हो गया है, मेरे पास फोन आ गया, उड़ीसा में बैन, कर्नाटक में बैन, मध्य प्रदेश में बैन, छत्तीसगढ़ में बैन है। अब एक चीज बताइए, ये सारा एक खाली आपके ऊपर दोष नहीं है, जब विधायक जी बोल रहे थे ना कि बड़े बड़े डीजे, आपने तब भी सुना होगा, मैं उस टाइम बोलने लगा था कि एक सार्जन डीजे नहीं है जो इतना बड़ा डीजे दिखाता है, उससे अलावा भी हमारे पास भी बहुत सारे डीजे वाले हैं। अभी तो एक गुजरात वाले ने भी आके कह दिया कि मैं सार्जन डीजे को कंपटीशन में ला रहा हूं। अरे क्या जरूरत है आपको कंपटीशन करने की, डीजे में मत कीजिए, आप लाइव में कंपटीशन कीजिए ना, हम लोग देखेंगे, आप मजा तभी आता है जब आप ऑपरेटिंग वहां पे माइकों की करेंगे, 50-50 माइक बेड पे ऑपरेटिंग कर रहे हैं, मजा आता तभी आता है ना, हम लोग 100-100 माइक बजाते हैं 48 माइक वाले मिक्सर के ऊपर, आप बजा के दिखाइए कैसे बजाते हैं 48 माइक के मिक्सर के ऊपर 100 माइक चलाना आसान काम नहीं है। मेरी उम्र 57 साल की होगी और 8 साल का था, चौथी क्लास में पढ़ता था, तब से काम करने लगा हूँ, अब मैं सारा काम किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, बिजली का किया, रिपेयरिंग का किया, अपना इलेक्ट्रिशियन का काम किया, उसके बाद में साउंड की लाइन में आए हैं। डीजे मेरे पास डीजे नहीं था तब भी मेरा नाम बब्बर डीजे, मेरी शौक का नाम है, आज भी सर्च करोगे डीजे बब्बर डीजे मिलेगा। लेकिन आपने मेरा कोई बयान सुना, मैंने किसी के खिलाफ कोई आज तक आपको किसी कहीं पे भी किसी डीजे वाले के नहीं बोला, आप बोलिए मैंने बोला, कब बोला है बताइए, आपने हाथ उठाया मैंने बोला। अब हमारा अनुरोध होगा, अभी भी विधायक सर जो थे उन्होंने भी वही सेम बात को डीजे, मैंने बोला मैंने बताइए, मैंने तो सर कुछ भी ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन सर इस बात को मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप एक बार भैया 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 डीजे किसको बोलते हैं हम लोग, डीजे क्या माइनिंग क्या है डीजे का माइनिंग आप बताइए सर, इस बात के लिए तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। एक बात साउंड सुनिए किसी विषय इस विषय पर चर्चा बंद करें, आप सभी से अनुरोध है मेरा, मैं आपको एक बात, एक मिनट भैया मेरा बात सुनिए, आज इस कार्यक्रम की अगुवाई धनबाद जिला विद्युत साउंड डीजे डेकोरेटर संघ के सिर्फ सेंट्रल में बैठे पदाधिकारी गण का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ बैठा हुआ हॉल में हर एक व्यक्ति का है, वह चाहे सार्जेंट डीजे हो या छोटा डीजे हो या बड़ा डीजे हो, सभी के तरफ से यह कार्यक्रम तय हुआ है, इस पर कार्यक्रम की अगुवाई आप और हम मिलकर कर रहे हैं, इसलिए अतिथि हमारे साथ उपस्थित हैं। हाँ थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है सर, क्या ये जरूरी नहीं है जिस समय सम्मानित किया गया तो थोड़ा सा पूछा जाए, आप जो इस जो भारी भरकम या जिस तरह से रोड शो चलाते हैं, आपके पास ऐसा कैसा प्रमाण पत्र है जो आप इस तरह का काम करते हैं, यानी आप
छोटे डीजे वालों को विरुद्ध करते हैं, तो मैं इस बीच में मैं दिखा देना चाहता हूँ ताकि छोटा डीजे वालों को भी ये चीज नॉलेज हो और उन लोग ये विषय में चर्चा होना चाहिए ताकि उन लोग के पास भी जानकारी हो कि कहीं भी अगर बुक पकड़ता है तो किस आधार पर पकड़ता है। मानते हैं हाई कोर्ट से 60 डेसिबल का हिसाब से एक नियम था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी अगर यूट्यूब में न्यूज पड़ा होगा आप अभी भी खोल के देख सकते हैं, 12 फीट चौड़ाई, 16 फीट चौड़ाई और 12 फीट हाइट आप डीजे बांध सकते हैं, ये परमिशन था। जब क्या होता है कभी कभी स्पेशल परमिशन मिलता है तो उसके आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। और अभी भी जो मैंने बोकारो का काम किया भारी सभा में, मैं कोई पदाधिकारी को बुलाना चाहता हूँ, मेरे पास वो कागज है जिसके थ्रू हमको परमिशन मिला था और एक एग्रीमेंट पेपर लेता हूँ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जरूरी था बोलना, जरूरी था। एक मिनट सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी देखिए काम अलग अलग तरह का होता है, मेरे जितने भी भाई है जो डीजे से जुड़े हुए हैं या साउंड लाइन से जुड़े हुए हैं, हम लोग का काम तीन तरीका से होता है। एक होता है अंडर हॉल में, ये एक हॉल में काम होता है, एक रेगुलर काम होता है जैसे शादी ब्याह का। ज्यादा से ज्यादा हम लोग साल में 50-55 डीजे का काम करते हैं जिसमें से बहुत तरह का हम लोग का विवादित पे गुजरना पड़ता है। इस बीच में कुछ आउटडोर काम रहता है जिससे स्पेशल प्रशासन से नियम ये समय लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है ताकि कोई भी बड़ा रोड शो से यातायात कभी भी प्रॉब्लम ना हो और कभी भी थर्ड पर्सन को कोई भी असुविधा ना हो, जिसके चलते एग्रीमेंट करना पड़ता है और जिसके चलते सारा नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं पहला वाला जो मेरे तरफ से एग्रीमेंट रहता है, थोड़ा बहुत अगर समझ पाइएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हनुमान दल कमेटी बोकारो झारखंड एंड डीजे सर्जन प्रोडक्शन झारखंड, दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेड जिस डेट को किया जाता है 2024 बिटवीन हनुमान दल और फास्ट पार्टी सेक्टर 9A बोकारो झारखंड एंड डीजे सर्जन प्रोडक्शन चंदन क्यारी झारखंड सेकंड पार्टी हेयर बाय आफ्टर रिफर टू ए रोड शो डीजे सर्जन टू बी हेल्ड ऑन 19/9/2024 एंड द रोड शो विल बी स्टार्ट फ्रॉम मजदूर मैदान बोकारो सेक्टर 4 एंड विल एंड एट सलागडी चास बोकारो, जिसका शुरुआत मजदूर मैदान से होगा और जिसका खत्म आपका सलागडी चास में होगा। इट इज हेयर बाय कॉन्फर्म बाय द सेकंड पार्टी ऑफ डीजे सर्जन प्रोडक्शन, आपको यह सूचित या ध्यान दिलाने के अवसर किया जाता है कि दैट द सेम रोड शो इवेंट विल बी हेल्ड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट झारखंड विथ रेस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड साउंड डेसिबल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इन व्यू ऑफ द अबव द रोड शो इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द फर्स्ट पार्टी हनुमान दल कमेटी मस्ट बी फॉलोड बाय द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। इफ एनी अनवांटेड एक्टिविटी विल बी हैपन बियॉन्ड द गाइडलाइंस, अगर कोई भी ऐसा घटना उसके बाद भी होता है ऑफ द गवर्नमेंट, देन द हनुमान दल ऑफ कमिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम एक्टिविटी एंड द सेकंड पार्टी ऑफ डीजे सर्जन प्रोडक्शन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। अगर इस तरह का उस रोड शो में कोई भी ऐसा चीज घटना होता है तो उसका सीधा का सीधा जिम्मेवार हनुमान दल जो आयोजक है वो रहेंगे, ना कि डीजे सर्जन प्रोडक्शन रहेंगे, और उसके हिसाब से ही सारा चीज कमेटी से स्टैंप लिया जाता है और ये देखा जाता है जो हमको आयोजक कर रहे हैं वो सरकारी रजिस्ट्रेशन। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके आधार पर जो भी एक आयोजक रहते हैं वो भी देखा जाता है, जो आदमी कर रहे हैं हमको बुकिंग क्या वो भीड़ को संभाल पाएगा कि नहीं, इस हिसाब से दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद हम लोग अपना काम करते हैं। यहाँ पर एक बात खड़ा होता है कि सरकार से तो 60 डेसिमल है तो आप उतना बड़ा रोड शो कैसे करते हैं। आप अभी भी बोकारो का रोड शो हो या हरिद्वार का रोड शो हो, कोई भी रोड शो निकाल के देख लीजिए, बोकारो का रिसेंट 2 दिन पहले हुआ, मेरे ख्याल से लाखों से ज्यादा भीड़ हुआ। जिस तरह से यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम रहते हुए भी लाउड और लाउड का जरूरत हुआ, क्यों, पब्लिक के जरूरत के हिसाब से, तो उसी हिसाब से कभी कभी ऐसा जगह रहता है जैसे पहले से ही सरकार को सूचित किया जाता है ताकि यातायात व्यवस्था या किसी तरह का वैसा कोई ऐसा काम ना हो जिससे प्रशासन को दिक्कत हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये इन्फॉर्म ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ हमारे महोदय सबको कि सार्जन डीजे हो या बड़ा डीजे के नाम बोले तो लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया, बड़ा डीजे को सम्मानित किया, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं आप बोले तो ये आपका भी अधिकार है कि उस बड़ा डीजे वाला को यहाँ पर एक बार बुलाएं और उनसे पूछें।
कि आप किस तरह से काम करते हो सके। मेरे इस बात से बहुत जन को सीखने मिला और आगे से छोटा डीजे वाले कम से कम नहीं तो आधार कार्ड और डिटेल वगैरह ये सारा चीज़ रहेगा और नियम के अनुसार चलेंगे। सर्जन डीजे भी हमेशा अपने मन से कहीं डीजे साउंड सिस्टम नहीं लगाते, लाखों लोगों का उम्मीद रहता है, लाखों लोग बुक करते हैं, परमिशन लेते हैं सरकार से, उसके बाद ही करते हैं। तो ये मैं फिर से ध्यान देना चाहता हूँ कि सर्जन डीजे या कोई भी डीजे जो गलत है उसको उसी समय प्रशासन के हिसाब से रोक लगना चाहिए। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि आप परमिशन ले लिए तो कुछ भी मन मर्जी कीजिए। जो भी साउंड सिस्टम, हमेशा साउंड सिस्टम वाला ही गलत नहीं रहता है, तो जो गलत रहता है उनके लिए कड़ा एक्शन लिया जाए और जो नहीं रहता है तो कम से कम किसी के बारे में इस तरह से भारी सभा में बोलने से पहले थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं कि जो इस जिसके बारे में आप बोल रहे हैं तो उसका पूरा जानकारी ले लें। और भी बहुत सारे परमिशन है लेकिन समय कम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर सर के बीच अगर मैं कुछ ज़्यादा। बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शिव जी आपका। आप एक बार ध्यान रखिएगा, आज जो यह कार्यक्रम हुआ है, जो भी जिला अतिथि, जो भी हमारे साथी आए हैं, उपस्थित हैं सभी सब जगहों से आकर, आप इस आयोजन कार्यक्रम में आयोजन में आपकी भी भागीदारी उतनी